में दी जाए कि हम उसको मानेंगे? तरह साहब मानेंगे, हमारा इतना ईमान कमजोर है कि हम उसको माने? अदालत में कत्ल किया गया इस्लाम और ईमान की अगर आप बात करेंगे तो फिर दुल्कार मिर्जा साहब ने भी कुरान पाक उठा के बड़ी बड़ी बातें की थी शजील मेहमद साहब, उस तरफ ना जाएं। हम सबको अपने मैंडेट के अंदर रहकर बात करनी है। गुजारिश ये कि अगर पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर बहस भी हो रही होती और तरीके के साथ हो रही होती तो शायद उसको हम हजम कर पाते। बुनियादी सवाल ये है, ये बीबी के कब्र के ट्रायल को बचाया जा रहा है या 500 करोड़? लेकिन कंटेम्प्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया प्राइम मिनिस्टर का कि आप उसको इंप्लीमेंट करें। प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखने को कभी मना नहीं किया। अरे जी आप हमारे साथ में कभी फर्क ही नहीं है ना, आप क्या मना कर सकते हैं कि जाओ जो हम कौन है हासिल है मेमन साहब, हम कौन है हासिल है जब उनका टेंडर कंप्लीट हो उसके बाद जी मेमन साहब बसंत एहतराम आपके मैंडेट का एहतराम करते हुए आपसे पूछते हम कौन है जो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, हम कौन है, आप कौन है, मैं कौन हूँ? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने फैसला छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? हतमी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जज करना है और फैसला आना है। इंतजार अदालत का एहतराम हमले नहीं किए, अब Ya Allah, Ya Rasul, Benazir, Beqasim.